हाय किटी गाइस, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स, जिसमें हम डिवीजन पार्ट फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि एक डिमांड आई है हमारे कमेंट बॉक्स में कि मैम प्लीज़ आप ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स में डिवीजन और करा दें। जिन लोगों को नहीं पता है कि इसमें मैंने पहला चैप्टर एक बनाया हुआ है फिफ्थ क्लास का ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स में, और जो वो चाहे तो पहले वो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सिर्फ डिवीजन पढ़ने वाले हैं और इसमें जितने भी सम्स होंगे वो सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे, जो आपकी बुक्स में मिलेंगे आपको और जो आपके कोर्स में भी होंगे। इसलिए सारी तरह से हर रूल को समझने के लिए आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी हेडिंग है डिवीज़न बाई टू एंड थ्री डिजिट डिवाइजर्स। देखिए, डिवाइजर्स जो होते हैं जिनसे डिवाइड करते हैं, और जो डिवाइड होता है वो डिविडेंड होता है। सो इतना तो पता है आपको, आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी हुई है। और अगर आपको कुछ इसमें नहीं समझ में आता है तो आप लार्ज नंबर्स भी, जो नॉर्मल लार्ज नंबर्स होते हैं, वो वाला चैप्टर भी आप देख सकते हैं वीडियो में। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले क्या है, डिविजन को हम लिखेंगे कैसे? देखिए, हम ऐसे लिखेंगे 47, ये हमारा डिवाइजर है। ओके, डिवीज़न का साइन है हमारा, जो नंबर है उसको हम लिखेंगे टू, थोड़ा थोड़ा दूर पे लिखेंगे 4, 5, 8, 2 and 3, और चेक कर लेंगे कि ये राइट है 2, 4, 5, 8, 2, 3। बहुत से लोग ऊपर लाइन खींच के अपना क्वेश्चन लिखते हैं और कुछ लोग साइड में भी लिखते हैं, तो वो दोनों तरह से सही है। चलिए, जैसे आपकी बुक में दे रखा होगा कि ऑन टॉप हम इसका क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर 47 दे रखा है तो हम साइड में कहीं पे रफ वर्क में या ऐसे भी नॉर्मली हम 47 का टेबल एक तरफ लिख लेंगे। चलिए हम लिख लेते हैं इधर, तो कुछ लाइन हम 47 के टेबल की लिख लेते हैं। तो 47 वंस आर 47, ओके, तो इसको 7, 7, अब 47 को दो बार अगर जोड़ेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 आ जाएगा 47 का। तो 7, 7, 14, कैरी 1, 4, 4, 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ये कैसे हुआ? 47 इमेजिन कर ले, या आप लिख सकते हैं इसको जोड़ के आप ही कर देंगे, फिर इसको कट कर देंगे। ये सेकेंड टाइम से हो गया, ठीक है। थर्ड टाइम क्या है, 7, 4, 11 का कैरी, और कैरी 11, 1, और 9, 1, 5, 9, 1, 10 और 4, 14, 1, 4, 1, ओके, इतना लिख लेंगे। और 7, फिर इसको भूल जाएंगे, 7, 1, 8 एंड 4, 4, 8 एंड यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, 4 टाइम्स हो गया। अब क्या है, 5 टाइम्स तक लिखते हैं, फिर और देखते हैं कि अगर और ज़रूरत होगी तो और लिखेंगे। 8, 7, 15 का 5, कैरी 1, तो हो जाएगा 5, 5, 8, 2, 5, 8, 13 का 3, कैरी 1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो अभी 5 तक लिख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिवीज़न। देखिए, 47 है, यहाँ 2 है, 24 है, 47 से कम है, हमेशा यही चेक करेंगे। ये यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, जितनी भी डिजिट वो उतनी डिजिट्स लेके देखें 24, लेकिन ये इससे कम है, तो हमें एक एक्स्ट्रा 245 पहले बार में ले सकते हैं। तो हम 245 को देखेंगे कहाँ पे आ रहा है। 47, 94, 141, 188, 235 है, 235 है। हम अगर एक बार और इसको ऐड करेंगे, कम से कम 40 अगर इसमें ज़्यादा ऐड हो जाएगा तो इससे ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक लगाया, आप चाहे तो 6 टाइम्स का लिख भी सकते हैं, जैसे 75 कितना हो जाएगा, जितना भी, खैर मुझे लगता है ये सफिशिएंट है। तो 5 टाइम्स हम यहाँ पे लिख देंगे 5, क्योंकि अगर नॉर्मल सी बात है, अगर 40 जोड़ेंगे तो इससे 270 हो जाएगा, इससे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आता है 235, जो इससे छोटा, हमेशा देखना है कि हमारा उससे जो ऊपर नंबर है वो नीचे वाला नंबर छोटा होना चाहिए। हमने उठाया 235, 5 टाइम्स हो गया 47 का लिख दिया। अब हम इसे क्या करेंगे, सबट्रैक करेंगे। तो 5 से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 1, और 2 में से 2 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नंबर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आया 108,
अब देखिए 108 हम देखेंगे 108 से, ये तो 108 हो या तो उससे कुछ छोटा हो, 1 2 1 4 1 108 से बड़ा है तो 2 टाइम्स जाएगा, तो जो जो कि है 94। यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 94। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो चीज़ यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 है हमारे पास। ओके, तो अब हम क्या करें, 8 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 4। अब देखिए ये अब 0 है, ये 1 है, 1 ये दोनों को एक ही मानेंगे, 10 में से 9 जाएंगे बचेंगे 1। ओके, और बाकी यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। यहाँ आया 14, तो जो 2 है इसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका सब्ट्रैक्शन से जो भी आएगा नंबर, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 142, 142 से कम हुई हो उतने बराबर, तो 141 ये हमें दिख रहा है जो कि 3 टाइम्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 टाइम्स में आया हमारा 141। ओके, अब हम इसे माइनस करेंगे, 2 में से 1 गए 1, और 14 में से 14 तो 0 हो जाएगा। अब 13 हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ पे 13 हो गया, लेकिन 47 से बहुत कम है। तो अब हम क्या देखेंगे, जो हमारा ऊपर का पार्ट होता है वो कोशेंट होता है, और जो नीचे बचा होता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर। बाकी आपको पता है ये डिवाइज़र है और ये डिविडेंड है। चलिए मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, देखिए ये है डिवाइज़र जिससे हम डिवाइड करते हैं। ओके, ये हमारा होता है बचा हुआ रिमाइंडर, ये हमारा है क्वेश्चन, और जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो होता है डिविडेंड। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी किसी को याद है तो वो रिमाइंड हो जाएगा। अब हम आंसर में क्या लिखेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज इक्वल टू 5, 2, 3, एंड व्हाट इज रिमाइंडर, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 13, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, डिवाइड 6, 3, 8, 4, 6, 1, 5, ठीक है, बाय 2, 1, 6। अब हम जल्दी से लिख लेते हैं, हमें कैसे लिखना है, हमें लिखना है 2, 1, 6। ओके, अब हम इसमें ऐसे डिवीजन का साइन लगाएंगे। अब हम नंबर लिखेंगे 6, 3, 8, 4, 6, 3, 8, 4, 6, 1 एंड 5, ठीक है। अब हम इसमें लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऊपर, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अब क्या करना है, 216 का टेबल हम साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। आप चाहे पेंसिल लिख लें, पेंसिल से या रफ वर्क मान के लिख लें, यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं। अब जैसे 216 ये 1 टाइम हो गया, अब 216 को 216 फिर से ऐड करेंगे, 6, 6, 12 कैरी 1, 3, 2, 2, 4। अब हम इसको कट कर देंगे, ठीक है, ये सेकेंड टाइम हो गया। ओके, अब क्या होगा, थर्ड टाइम हो जाएगा 8, 4, 6, 3 टाइम्स होगा 4, 6, 8, 4 टाइम्स एंड 0, 8, 0, 1, ये होगा 5 टाइम्स एंड 6, 9, 2, 1 और 2, 1, 5 एंड 1, ठीक है, ये 6 और ये 7 टाइम्स, ठीक है। अभी हम देखते हैं हमें और कितने की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत हो तो और लिख लेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं 216, यहाँ 3 डिजिट है, 1, 2, 3, तो यहाँ पे हमें 3 डिजिट लूँगी जो ये इससे बड़ी 638, तो हम देखेंगे 638 से या तो छोटा हो या तो उसके बराबर हो, सेम, तो 648 आ रहा है लेकिन ये 638 से बड़ा है, तो हम 2 टाइम्स पे जाएंगे। तो 2 टाइम्स में क्या होगा, देखिए 216 टू द 4, 3 एंड 2,
देखिए अब इसको माइनस करेंगे, 8 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 6, 3 में से 3 0 और 6 में से 4 जाएंगे बचेंगे 2, 4 ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर डिवीज़न, ठीक है। अब 2064, अरे ये तो और ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा और ऐड करके देख लेंगे, 8, 2, 7 and 1, ये 8 टाइम्स होगा, अभी भी नहीं जा रहा, एक बार 9 टाइम्स करके देख लेते हैं, 4, 4, 9, 1, देखिए 9 टाइम्स जा रहा है, 10 टाइम्स नहीं लिखते हैं, 2 से 3 टाइम्स तक ही लिखते हैं, तो 9, 10 पे जो भी 1944, देखिए ये इससे छोटा ही है, बड़ा नहीं है, तो हम ये इसको 9 टाइम्स में लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे 1944, 1, 9, 4 and 4, इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, तो अब हम क्या करें, माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास 2, 4 में से 4 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2, अब इसको कैरी करेंगे तो ये यहाँ पे 1 ही रह जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 में से 9 जाएगा, यहाँ पे आएंगे 1, और 1 में से 1 जाएगा तो बचेगा 0, ठीक है, तो 1, 2, 0 यहाँ पे आंसर आ गया, और जो 6 है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, तो 1206, तो 1206, 1206, तो 6 पे 96 है, तो 5 पे आएगा, 5 पे जाएंगे 1080, तो हमें लिखेंगे 1080, और अब हम फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो 6 में से 0 जाएंगे, 6 बचेंगे, लेकिन यहाँ पे 0 है, तो 0 इसे कैरी करेगा तो ये 10 हो जाएगा, और ये 1 ही रह जाएगा, 1 इसमें से 1 चला गया, तो ये पूरा 10 से 8 जाएगा, तो बचेंगे यहाँ पे 2, ओके, अब 1 में से 0 जाएगा तो बचेगा 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0, ओके, 1, 2, 6 हो गया, अब यहाँ पे 1 ईजली आराम से अपने आप यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो चुका है, ठीक है बच्चों। अब क्या है, 1, 2, 6, 1 हमें देखना है इसके बराबर या इससे छोटा, 1, 2, 9, 6 ये तो बड़ा है, तो 5 अगेन 5 टाइम्स ही जाएगा ये, तो लिखेंगे 1080, 1080, ओके, अगेन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 में से 0 जाएंगे तो 1 ही बचेंगे, 6 में से 8 नहीं जाएगा तो ये कैरी करेंगे तो 2 बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा 16, ओके, तो 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा 8, 8, 8, 16 होते ही हैं, अब ये 1 में से 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, 8, 1, और 1 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 0, तो अब क्या होगा, 5 ईजली नीचे आ जाएगा इस आप अपने आप, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो चुका है, एक नंबर अपने आप आ जाता है, 1815, तो 1815 हमें देखना है कितने टाइम में जाएगा, देखिए यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 19 है, तो यही छोटा है ये बड़ा है, तो 8 टाइम्स में जाएगा, ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे 1728, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो देखते हैं क्या आता है, देखिए 5 में से 8 नहीं जाएगा, ठीक है, देखिए 8 टाइम्स लिखा 1728, क्योंकि ये 18 से छोटा है और 9, 1944 बड़ा है, तो 5 में से 8 तो नहीं जाएगा, तो ये इससे कैरी करेगा तो ये हो जाएगा 15, और 1 हो जाएगा 0 एटलीस्ट इस टाइम, ठीक है, तो 15 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 7, अब देखिए ये 0 है तो फिर ये इससे एक और कैरी करेगा, ये हो जाएगा 8, 7, और 0 हो जाएगा 10, तो ये पूरे 10 से 2 जाएगा, तो 10 में से 2 हाँ 10 में से 2 जाएगा तो बचेंगे 8, ओके, बाकी सब यहाँ पे 0, यहाँ पे 17 ऊपर है, 17 नीचे, तो 87 इसका रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब हमें लिखना क्या है, अब हमारा क्वेश्चन क्या होता है, 29558 हमारा क्वेश्चन हो गया, लिख लेंगे क्वेश्चन इज इक्वल टू 29558 एंड रिमाइंडर रिमाइंडर इज इक्वल टू 87, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब हमारा आता है वर्ड प्रॉब्लम्स, देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, एग्जांपल नंबर 1 मैंने ले रखा है, डिवाइड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अ 9, यहाँ पे 9 डिजिट बाय ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट,
तो हमें बताना है कि जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है 9 डिजिट का, उसको डिवाइड करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट से। तो हमें पता होना चाहिए कि एज वी नो कि ग्रेटेस्ट, देखिए ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट, तो पहले तो वो 9 टाइम्स होगा, और ग्रेटेस्ट होता है तो 1 to 9 में 9 ही सबसे बड़ा नंबर होता है। तो आपने अगर नहीं पता है आपको, तो आप मेरा लार्ज नंबर वाला वीडियो ज़रूर देख लें। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, 9 times 9 हो जाएगा। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 डिजिट ले रखा है, तो हमारा क्या हुआ, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, ठीक है, तो ये होगा इज इक्वल टू 1, 2, 3 times 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 इज द बिगर नंबर ऑफ सिंगल नंबर, या जो डिजिट है 9 सबसे बड़ी ही, इसलिए वो 3 times 9, 9 times 9। अब क्या करना, हमें इनका डिवाइड करना है, तो बहुत सिंपल है, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं 9, 9, 9 इन ब्रैकेट 9 times 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 अगेन 9, 9 and 9, ओके, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इसको थोड़ा सा ट्रिकी है समय। देखिए हमने देखा कि यहाँ पे 9, 9, 9 है, तो 3 times फर्स्ट होगा तो उतने ही लिया जाएगा, 3 नंबर्स जितने नंबर होते हैं, तो 9, 9, 9 क्या होगा, 1 times भी जाएगा। तो सबसे पहले हमने बहुत ही ईजिली यहाँ लिखा 99, 999 ones are in 999, तो हमने यहाँ लिख दिया 9, 9, 9। अब देखिए क्या हुआ, ये माइनस हुआ और ये पूरा ज़ीरो हो गया, ओके। अब क्या होता है, ऑटोमेटिकली एक नंबर नीचे आ जाता है 9, लेकिन क्या है, ये 3 times 9 है और ये सिंगल 9 है, तो अब क्या हुआ, ये इससे तो डिवीजन डिवाइड नहीं होगा। अब हम एक और 9 जब उतारेंगे तो यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा देंगे, ठीक है, 99 हो गया, लेकिन देखिए 99 भी तो इससे कम ही है ना, तो हम एक और नंबर जब बढ़ाएंगे तो एक और ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा हमें एक्स्ट्रा, ठीक है। देखिए अब ये 1, 2, 3 times 9 क्या हो गए, 99 ones होते ही हैं, अब ये इक्वल डिजिट्स हो गई, तो वो 1 times में जा सकती है, 99 ones are 999। अब माइनस करेंगे होगा डायरेक्ट ज़ीरो, अब क्या होगा, ईजली आराम से सब्ट्रैक्शन के बाद एक नंबर नीचे आ ही जाता है, वैसे भी 9 आ गया, लेकिन ये तो उससे बहुत छोटा है। अब हमें दूसरा नंबर चाहिए, दूसरा नंबर के लिए हमने यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ाया, फिर उसको बहुत आसानी से ला सकते हैं, एक नंबर आया, लेकिन जितने भी नंबर बढ़ाएंगे एक नंबर के बाद उतने ज़ीरो लगाने पड़ेंगे, लेकिन अभी 2 कम है, फिर एक और नंबर बढ़ाया तो हमारे पास एक ही आ गया ये, तो ये 9, 9, 9 हो गया, और 99 ones are होते हैं 9, 9, 9, बहुत ही सिंपल रूल है, और ये हमारा ज़ीरो आ गया सब्ट्रैक्शन पर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, रिमाइंडर हमारा क्या होगा, ज़ीरो। तो अब हमें बताना है कि इसको डिवाइड करा है, डिवाइड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, क्वेश्चन हमारा आ रहा है, क्वेश्चन इज इक्वल टू वन ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन। और अगर आपको कोई डाउट हो कभी भी, आप डिवाइज़र को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, वो जो आंसर आएगा वो हमेशा यही होगा, इसके इक्वल, ठीक है। तो आपको अगर लगे तो आप 1010, देखिए मैं साइड में लिख देती हूँ, आप मल्टीप्लाई करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है, ये आप काम करेंगे, ओके, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 है, मिसेस चंदानी हैज़ 217,550 लीटर्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक टू पुट इन कैंस। मिसेस चंदानी को इतने लीटर सॉफ्ट ड्रिंक कैंस में भरनी है, शी वॉन्ट्स टू पुट 112 liters ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन ईच कैन। जो कैन है, एक कैन में वो 112 लीटर भर लेती हैं, जो बड़े बड़े कैंस होते हैं, ठीक है।
तो हाउ मेनी कैंस डज शी नीड, तो उन्हें कितने कैंस की और ज़रूरत होगी, ठीक है। एंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक विल बी लेफ्ट ओवर, मतलब और कितनी लीटर जो भरने के बाद सॉफ्ट ड्रिंक बचेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इन वन कैन शी पुट्स, ये लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे पहले तो सॉल्व कर रहे हैं अब हम। इन वन कैन शी पुट इज इक्वल टू 112 लीटर्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। हो गया। अब इन हाउ मेनी, इतने कैंस में कितने कितने लीटर्स में, इन हाउ मेनी कैंस, कैंस निकालना है। हाउ मेनी कैंस फॉर, कितने लीटर है इसमें, कितने कैंस लगेंगे, तो हम लिखेंगे 217। देखिए एक के लिए इतना है तो बाकी 217550 डिवाइड हो जाएगा 112 से, तो इसे हमें पता चल जाएगा कितने लीटर हमें कितने कैंस हमारे ज़रूरत है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं, रफ में भी कर सकते हैं और सामने भी कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको सामने करके दिखाती हूँ। देखिए 112, देखिए नंबर सही से लिखेंगे 217550, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 112, ये वन टाइम हो गए, 112 आप लिख लें तो इसे ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 224, ऊपर वाला फिर कट कर देंगे तो ये सेकंड टाइम हो गया। इसी तरह से हम जोड़ते जाएंगे 6, 3, 3, 8, 4 and 4, 0, 6 and 5, 2, 7 and 6, ओके 4, 8 and 6, 4, 8, sorry यहाँ पे 7 आएगा, 7, 8, 4। देखिए एक मिनट, ये 3 टाइम्स हो गया, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, अभी इतना करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या ऐड हुआ, 617 हो गया, 784 हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डिवीज़न। चल देखिए 123 नंबर है, 123, हाँ 217 इससे बड़ा ही है, ठीक है। तो हम जाएंगे अपने मल्टीप्लिकेशन में, देखिए 224 ये बड़ा जा रहा है तो वन टाइम ही जाएगा आई थिंक। तो यहाँ पे लिखें 1, तो 112 होगा। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 2 जाएंगे 5 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, देखिए, और 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1। तो आप क्या करेंगे, 5 अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, अरे ये तो बड़ा नंबर होगा 1055। देखिए और बढ़ा के देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 784 को हम जब ऐड करेंगे तो ये जो 698, अभी छोटा है, 8 आएगा, 001, और एक बार जोड़ के देख लेते हैं कि सही है, 0211। देखिए 10 टाइम्स में हो गया, देखिए 8 और ये 9 टाइम्स में, 10 टाइम्स कभी लेते नहीं, लेकिन अगर आपको देखना है कि आपका 112 उसके आगे 0 लग जाए तो ये आपका सारे नंबर सही है, तो 9 टाइम्स हम लेते हैं 1008। तो यहाँ पे लिखिए 9 टाइम्स, जो कि इससे छोटा है 1008, ओके। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको भी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 8 नहीं जाएगा तो इससे कैरी करेंगे, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 15। अब 15 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 7, 4 में से 0 जाएगा बचेगा 4 और 10 में से 10 जाएगा तो ये हो जाएगा 0 ही, यहाँ पे आएगा 47। अब क्योंकि ये 5 ऑटोमेटिकली आफ्टर सब्ट्रैक्शन नीचे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो गया 475। अब देखिए 475 कहाँ है, 448 है और ये बड़ा जा रहा है तो हमारा 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 448, ये से देखिए छोटा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे अगेन, ये हो गया
475 एंड 448, तो ये कैरी करेगा तो ये हो जाएगा 6, देखिए, और ये 15 हो जाएगा, तो क्यों 10 आएगा, और 15 में से 8 के बचे 7, 6 में से 4 के बचे 2, और 4 में से 4 जाएगा बचेगा 0, ठीक है 27। अब बचा हमारे पास 0, तो ये भी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी 0, 270, तो 270, तो ये 224 हम सेकेंड टाइम्स ले लेंगे, हो जाएगा 224, ओके। अब हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए 0 में से 4 नहीं जाएगा तो कैरी करेंगे 1, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6, तो 10 में से 4 के बचे 6, 6 में से 2 जाएंगे बचेंगे 4, 2 में से 2 जाएंगे बचेंगे 0, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 46, और क्वेश्चन हमारा हो गया 1942, तो हम लिख लेंगे। हाँ, अब हमें बताना है कि कितने कैंस की ज़रूरत हुई, हाउ मेनी कैंस डज शी नीड 1942 कैंस, यहाँ पे लिखेंगे शी नीड्स 1942 कैंस, और एक और है इसमें कि कितने लीटर सॉफ्ट ड्रिंक बची, तो 46 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर सॉफ्ट ड्रिंक इज इक्वल टू 46 लीटर, ओके लीटर में था तो लीटर में रहेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास है एग्जांपल नंबर 3, इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 183, द क्वेश्चन इज 1148 एंड द रिमाइंडर इज 47, सो व्हाट इज द डिविडेंड। तो अब हमें पता है, एज वी नो, लिख सकते हैं फ्रॉम फॉर्मूला, तो डिविडेंड, अब हम लिखेंगे डिविडेंड, डिविडेंड ही निकालना है, डिविडेंड इक्वल टू होता क्या है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। हमारे पास डिवाइजर है, क्वोशेंट है, रिमाइंडर, तो चलिए वैल्यू सबमिट करते हैं। हमारा डिवाइजर है 183, या लिखेंगे 183 इंटू क्वोशेंट हमारा है 1148, 1148 प्लस रिमाइंडर हमारा क्या 47। तो सबसे पहले क्या करें, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चलिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है देखते हैं, साइड में इधर कर लेते हैं आप, मतलब कहीं पे भी रफ वर्क में कर सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 1148 मल्टीप्लाई बाय 183, सॉरी। देखिए अब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 8 24, 2 3 4 12 एंड 2 14 का 4, कैरी 1 3 1 3 प्लस 1 = 4 3 1 3, ठीक है। ये हमारा एक बार मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड टाइम में आएंगे एक बार क्रॉस लगाएंगे, तो सेकेंड लाइन से ही शुरू करेंगे, सेकेंड प्लेस सेकेंड लाइन, 8 8 = 64, अब पहली लाइन पहले कर 8 8 = 64 का 4, कैरी 6 आ जाएगा, 8 4 = 32 और प्लस 6 हो जाएगा 38, तो कैरी 3 हो जाएगा, ठीक है। 8 1 = 8 प्लस 3 इज़ हो जाएगा 11, और कैरी 1, 8 1 = 8 हो जाएगा, तो प्लस 1 = 9, तो 9 1 8 4 आ गया। अब थर्ड लाइन में थर्ड प्लेस पे करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे तो वो वही थे 1 1 4 8, तो 8 4 1 1, अब हम क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे, देखिए ऐड करने पे क्या आता है 4 4 4 8 8 8 16 16 प्लस 4 हो जाएगा 20, 0 कैरी हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 और ये 1 4 1 5 5 5, 10 का 0 कैरी 1, 10 1 1 11 कैरी 1, तो 2 आ जाएगा 2 1 0 0 8 4, यहाँ पर लिखेंगे इसका जो देखिए प्रोडक्ट निकल के आया मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, ये आया हमारा 2 1 0 0 8 4, ठीक है, और प्लस 47, तो हम 47 इसी में ऐड कर देते हैं, साइड में रफ वर्क ही है, 47 ऐड कर लिया। देखिए अब क्या था, 7 4 11 का
वन कैरी वन, आठ से बारह, तेरह का तीन, वन है यहाँ पे जीरो, तो वन ऐसे हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वन हो जाएगा और टू हो जाएगा, टू वन जीरो वन थ्री वन, तो यहाँ पे जाएगा टू वन जीरो वन थ्री वन। तो हमारा क्वेश्चन डिविडेंड क्या हो गया, डिविडेंड इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे सही से, डिविडेंड इज इक्वल टू टू वन जीरो वन थ्री वन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारे पास है एग्जांपल नंबर फोर, व्हाट इज द 305th पार्ट ऑफ 212585। देखिए सॉल्यूशन है कि इसका हमें 305th पार्ट निकालना है, तो क्या करेंगे हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, बहुत ही सिंपल है, सॉल्यूशन लिखते हैं, कभी भी इस तरह से पूछ लेते, सिर्फ डिवीजन होगा और ऐसे होगा, इसका 305th पार्ट डिवाइड करके ही निकलेगा 212585, बस थोड़ा सा लॉन्ग डिवीजन हो जाता है लेकिन है बहुत सिंपल ही। चलिए अब क्या करेंगे हम, पहले हम लोग क्या करेंगे टेबल पढ़ लेंगे, लिख लेंगे साइड में 305, इसका आ जाएगा 1 6 5 1 9 0 2 2 1 5 2 5 and 1 0 3 8 1 5 3 1 2 and 0 4 4 2 5 4 7 2 and 0 5 and 0 3 चलिए 305 है, देखिए 305 के बाद एक जीरो आ गया, ये 10 टाइम्स ही हो गए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम 10 टाइम्स भी लिख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भी करके लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिवीज़न, देखिए 1 2 3 1 2 3 डिजिट लिखेंगे, लेकिन ये इससे क्या है, देखिए 212 305 से कम है, ठीक है, तो हम क्या करें, एक शुरू में बढ़ा सकते हैं, एक एक्स्ट्रा ले सकते हैं, तो हमें जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी। ओके तो 2125, देखिए 35 से ज़्यादा हो रहा है तो 6 टाइम्स आएगा, तो 6 टाइम्स हम लिखेंगे, 6 टाइम 1830, तो 6 टाइम आ जाएगा 1830, सबट्रैक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं सब्ट्रैक्शन पे क्या आता है, तो 5 में से 0 हो जाएगा, बचेगा 5, देखिए ये कैरी करेंगे इसमें से, ये हो जाएगा 0, 2 हो जाएगा 12, ठीक है, तो 12 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 9, ठीक है, अब ये 0 हो गया, ये इससे कैरी लेगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा अगेन 10, ओके, ये 10 होगा, 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2, आप चाहे तो अलग भी और सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं, तो हमारा आ गया 295। अब क्या होगा, 8 हमारा ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, ठीक है, बहुत ईजिली आ गया। अब क्या करेंगे 2958, देखिए 9 टाइम 2745, 10 टाइम्स कभी नहीं लेते हैं, तो 9 तक ही देखेंगे, तो 9 पर ही हम जाएंगे, और जो भी नंबर है 2745, ओके, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए 8 में से 5 जाएंगे, बचेंगे 3, 5 में से 4 जाएगा, बचेगा 1, 9 में से 7 बचेगा 2, तो यहाँ पे आएगा 213। अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्शन के बाद एक नंबर नीचे आ जाता है ईजिली, ठीक है, 2135, देखिए 7 टाइम्स में ही जा रहा है 2135, तो हम 7 टाइम्स लिखेंगे 2135, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम नंबर्स के लिए 0 आ जाएगा, ठीक है, तो आंसर हमारा होगा 305th पार्ट ऑफ, आंसर में लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 305th पार्ट विल बी, जो हमारा क्वेश्चन है 697, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखिए ये भी बहुत डिफरेंट सम है, आपकी बुक में ज़रूर आपको मिलेगा विद डिफरेंट नंबर, सो
द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस, ठीक है, दो नंबर्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो ये है, ठीक है. इफ वन नंबर इज 2743, वॉट इज द अदर नंबर. अगर एक नंबर हमें पता है तो दूसरा नंबर क्या होगा. मान लेते हैं, चलिए हम लिख लेते हैं, चलिए हम सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको कैसे करेंगे. एक नंबर हमारे पास है ये, ठीक है, इमेजिन कर लीजिए, और दूसरा नंबर ये है. ओके, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करा वो हमारा क्या आ गया, 9787024 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो एक नंबर हमें पता है वो हम लिख लेते हैं 2743, ठीक है. व्हाट इज़ द अदर नंबर, तो व्हाट इज़ द अदर, अब हमें ये नंबर फाइंड करना है, ठीक है. इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है. दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन ये है, अगर एक पता है दूसरा क्या होगा. अब क्या होगा, अब हम इसको लिखेंगे कैसे, जो ये दूसरा क्वेश्चन मार्क वाला नंबर है उसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है. अभी तक क्वेश्चन मार्क लिखेंगे. फिर क्या होगा, जब ये इधर जाएगा तो ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा. या तो हम डिवाइड बाय लिख सकते हैं या अपॉन में भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे 9787024 हो जाएगा. ये मल्टीप्लिकेशन जब इधर जाएगा हमेशा साइन चेंज होगा, तो डिवाइडेड बाय 2743 ये हो जाएगा. जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें एक नेक्स्ट नंबर मिलेगा. चलिए देखते हैं वो नेक्स्ट नंबर है क्या, डिवाइड करके. तो हम लिखते हैं, देखिए 2743, बहुत बड़ा डिवीज़न होगा, 9787024. कभी भी बड़े नंबर्स हो तो प्लीज़ डिजिट्स बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे, सही लिखिए. चलिए सही लिखिए. अब स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मल्टीप्लिकेशन एक साइड में लिख लेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये. चलिए लिख के मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे दिखा देती हूँ. चलिए 2743 वन टाइम हो गया, तो हो जाएगा 6, 8, 4 एंड 5. अब हो जाएगा 9, 2, 2, 8, 2, 7, 9 and 10, ठीक है, एंड 5, 1, 7, 3, 1, 8, 5, 4, 6 and 1, 1, 0, 2, 9, 1, 4, 4, 9, 1, 2 और 7, 8, 6, 4, 2. देखिए सेकेंड, ये थर्ड टाइम 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही तक की ज़रूरत पड़ती है, तो 9 तक लिख लिया. चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. हम सबसे पहले नंबर देख रहे हैं, फोर डिजिट नंबर है. सबसे पहले फोर डिजिट स्टार्ट करेंगे. हाँ, ये 2 से ये 9 से स्टार्ट, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है, तो बड़ा होना अच्छी बात है. तो फोर डिजिट में ही देखेंगे, फोर डिजिट यहाँ तक आ रही है और यहाँ से 5 डिजिट्स हो जाती हैं. तो थर्ड नंबर पे 8229 है, जो कि इससे छोटा, हम वो कर लेते हैं. तो हम 3 टाइम्स लेंगे 8229, बहुत ध्यान से लिखेंगे 8229. अब हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है. अब क्या होगा, ये 7 में से 9 नहीं जाएगा. तो देखिए पेंसिल से मैं करके दिखाती हूँ, ये इसमें से कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 7, ये हो जाएगा 17, तो 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8. ओके, अब मैं पेंसिल करके बताऊँगा. तो 7 में से 2 जाएंगे बचेंगे 5, और 7 में से 2 जाएंगे बचेंगे 5, एंड 9 में से 8 जाएंगे बचेंगे 1, तो बिग नंबर हो गया. अभी 0 ऑटोमेटिकली आफ्टर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे आएगा 15580, तो जो कि होगा 1, 2, 3, 4 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर 6, और ये 5 टाइम्स जाएगा देखिए, क्योंकि वो 15 से छोटा, ये 16 है. 1, 3, 7, 1, 5, 1, 3, 7, 1, 5, मेरे नंबर भी तेड़े मेड़े हो रहे हैं, ठीक है. ये 5 टाइम्स में जाएगा, ध्यान रखिएगा, लिखना मत भूलिएगा. 0 है कैरी, 1 करेंगे, देखिए बहुत गंदा हो जाता है, मैं पेंसिल से करूँगी. ये एक कैरी करूँ तो ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, ठीक है. 10 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 5, ओके. और 7 में से 1 जाएगा बचेगा 6, और क्या करेंगे, 5 में से 7 नहीं जाएगा तो कैरी करेंगे, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 15 में से 7 जाएंगे बचेंगे 8, देखिए 8 हो जाएगा.
और फोर में से थ्री जाएगा, बचेगा वन, तो 1865 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, टू ऑटोमेटिकली आफ्टर सब्ट्रैक्शन नीचे आ जाएगा नेक्स्ट नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5, फाइव टाइम्स, मतलब फाइव डिजिट हैं, तो ये 19 है और ये 16 है, तो सिक्स टाइम्स जाएगा। देखिए फटाफट करें, ये सिक्स टाइम, 1 6 4 5 8, तो पहले हम सिक्स टाइम्स ऊपर लिख लेंगे, 1 6 4 5 8, 1 6 4 5 8। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, देखिए टू इसमें से कैरी लेंगे, हाँ तो बड़ा टफ, देखिए इसमें से टू कैरी लेंगे, ये हो जाएगा फोर, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 12, 12 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 4। अब यहाँ पे 4 है, 4 में से 15 नहीं जाएगा, तो कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 14, तो 14 में से 5 जाएगा, तो बचेगा 9 आई थिंक, ठीक है हाँ, तो 5 में से 4 जाएगा बचेगा 1 और 8 में से 6 जाएंगे बचेंगे 2, तो 2 1 9 4 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आगे का 0। तो 4 क्या होगा, आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, देखिए 2 1 9 4 4, यहाँ पे 8 टाइम्स जाता है, सेम नंबर है, तो हम यहाँ 8 लिख लेंगे, 2 1 9 4 4, ओके सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम नंबर से तो 0 लिख लेंगे डायरेक्ट। सो द अदर नंबर इज, देखिए द अदर नंबर हमें पता चल गया है क्या है, सो यहाँ पे लिखेंगे द अदर नंबर इज 3 5 6 8। देखिए ये हमारा आंसर हो गया, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।